चलिए आज का टॉपिक है आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 और पैतीस ए की समाप्ति आर्टिकल 370 और 35 ए जैसा कि आप सब जानते हैं समाप्त किए गए हैं संविधान से 5 अगस्त 2019 राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा संसद ने फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया है इसी टॉपिक से जुड़े जो भी इशू हैं आज हम उनकी बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए आज तक की जो स्थिति है जो इशू है कश्मीर से जुड़े हुए अनुच्छेद 370 से जुड़े हुए जो इशू हैं उनकी आज हम आपसे चर्चा करेंगे 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन जिस दिन इन अनुच्छेदों को संविधान से हटाया गया आप सबने इतिहास पढ़ा है अगस्त के महीने का बड़ा महत्व तो रहा है हमारे लिए ब्रिटिश शासन काल में आप देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव तो अगस्त महीने के नाम से ही एक प्रस्ताव आया था अगस्त प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त में ही हुआ था और सबसे बड़ी बात 15 अगस्त उन्नीस भारत को आज़ादी भी अगस्त के महीने में ही मिली थी तो अगस्त का महीना बड़े महत्व का महीना रहा है हमारे लिए कम से कम 80 साल से तो है ही क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद से और उसी क्रम में देखें तो और एक ये बड़ा महत्वपूर्ण काम अगस्त के महीने में ही हुआ 5 अगस्त इतिहास की उन घटनाओं के समान ये घटना भी उतनी ही महत्वपूर्ण की जो विशेष राज्य का दर्जा था कश्मीर का विशेष स्थिति थी अनुच्छेद 370 के तहत तो उसे समाप्त कर दिया गया बाकी राज्यों जैसी व्यवस्थाएं और कश्मीर तो खैर राज्य भी नहीं रहा फिलहाल तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो बाकी केंद्र शासित प्रदेशों जैसी व्यवस्थाएं वहाँ के लिए भी कर दी गई और कई लोगों ने तो कहा कि वास्तव में 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जो वल्लभ भाई पटेल ने शुरू की थी आज़ादी के बाद वो अब जाके पूरी हुई और कई लोगों का तो कहना है कि अभी भी पूरी नहीं हुई प्रक्रिया हाँ एक कदम आगे हम और बढ़ गए प्रक्रिया तो तब पूरी होगी जब पाक अधिकृत कश्मीर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हम भारत में मिला लेंगे वास्तव में वो जो स्वतंत्रता के बाद एक चुनौती आई थी इंटीग्रेशन एकीकरण की काफी हद तक उसी समय हमने उसका हल कर लिया था लेकिन जो एक ये नासूर जिसे कहा जाता था दुखती रग कश्मीर बचा था काफी हद तक 5 अगस्त 2019 को हमने उसका हल किया लेकिन अभी भी वो पीओके वाली एक और दुखती रग है अगर वो भी मिल जाए तो वास्तव में ये एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अब रिसेंटली कहें तो अब तो अक्साई चीन का भी मुद्दा आ गया है था पीछे भी लेकिन चर्चा में नहीं था उतना इधर हाल फिलहाल चीन की करतूतों हरकतों के बाद अब कुछ जो ज़्यादा ही राष्ट्रवादी टाइप के नेशनलिस्ट टाइप के लोग हैं तो अब अक्षाई चीन तक भी उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं कि अब तो ये भी भारत में मिले वास्तव में तभी हम गंगा नहाएं या जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो पूरी हो क्या अक्षाई चीन तो बाद में ही हमने दिया या हमसे छीन लिया चीन ने अदरवाइज तो था ही भारत का हिस्सा तो अगस्त का महीना हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है सावन और रक्षाबंधन ये तो खैर चलिए होते ही हैं उस लिहाज से भी महत्व है लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए देश की स्वतंत्रता तो बड़ा महत्वपूर्ण उसी अगस्त के महीने को चुना गया इस कार्य को करने के लिए तो फ्रेंड्स जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आर्टिकल 370 और 35 ए से के संदर्भ में थोड़ा सा संघात्मक और एकात्मक शासन वहां से जुड़ा हुआ मुद्दा है फेडरल और यूनिटरी डेमोक्रेसी बात हमने पीछे भी थोड़ी बहुत की थी थोड़ा सा हम उसका संदर्भ लेंगे हम चर्चा करके आए हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था फेडरल डेमोक्रेसी भी है और साथ में हमने विशेष परिस्थितियों में एकात्मक शासन व्यवस्था या यूनिटरी मॉडल को भी अपनाया है तो वहां से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये जम्मू कश्मीर राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है वो संघात्मक और एकात्मक वाले रिलेशन यहां होंगे हमें उनको जानना और उनसे जोड़ना जरूरी है इस टॉपिक को जो संविधान का अनुच्छेद एक से चार देखते हैं आप संघ और उसका राज्य क्षेत्र यूनियन और उसकी टेरिटरी तो वहां से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये जम्मू कश्मीर में संविधान का आर्टिकल एक और 370, ये दो आर्टिकल ही लागू होते थे आर्टिकल एक मतलब वही कि यूनियन ऑफ द स्टेट तो संघात्मक शासन के यूनियन रूप को हमने अपनाया वहां से जुड़ा मुद्दा है थोड़ा सा उससे हम जोड़ेंगे इसे उसकी थोड़ी सी चर्चा होगी भाग छ में संविधान का आप पार्ट सिक्स देखें भाग छे तो उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या राज्य प्रशासन की व्यवस्था की गई है भाग आठ देखें आप तो उसमें यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था की गई है और जैसा आप समझ सकते हैं कि वहां से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है भाग 6 के प्रावधान कभी लागू नहीं हुए कश्मीर के ऊपर राज्य था लेकिन विशेष राज्य था तो भाग 6 वाले प्रावधान लागू नहीं होते थे और अब राज्य ही नहीं रहा तो अभी भी भाग 6 के प्रावधान लागू नहीं होने देखिए क्या किस्मत है कि जब राज्य था तब इसलिए भाग 6 के प्रावधान लागू नहीं थे कि वो विशेष राज्य था स्पेशल कैटेगरी में था और अब इसलिए वो स्पेशल इस कैटेगरी हटा दी हमने लेकिन अब भी भाग 6 के प्रावधान लागू नहीं होने क्योंकि अब वो राज्य ही नहीं रहा अब हमने उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो भाग आठ के प्रावधान अब लागू होने हैं तो थोड़ा सा उनकी चर्चा थोड़ा उनसे रिलेशन जरूरी है जानना थोड़ा सा उसकी हम बात करेंगे संक्षेप में क्योंकि इतने दिन में आप समझ गए होंगे कि मेरी कोशिश यही है कि बहुत व्यापक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट से मैं आपको टॉपिक बता पाऊं डिस्कस कर पाऊं ताकि आपके सोचने समझने की क्षमता उसी के अकॉर्डिंग व्यापक हो आपकी एनालिसिस करने की पावर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाए बाकी टॉपिक्स भी जो आप पढ़ते हैं बाकी सेक्शन आप पढ़ते हैं पॉलिटी या पॉलिटी के अलावा भी तो कोशिश करें कि चीज़ों को थोड़ा व्यापक दायरे में देखें जितना ज़्यादा एनालिसिस होगी जितना ज़्यादा कंपैरेटिव स्टडी होगी जितना ज़्यादा इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी हमेशा मेंस में आपको नंबर उतने ही ज़्यादा मिलेंगे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में इस तरह की अप्रोचेस बहुत ज़रूरी होती हैं और हमेशा से मेरी कोशिश है कि मैं जो भी टॉपिक जब भी डिस्कस करता हूँ जो भी सेक्शन चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो एथिक्स हो चाहे पॉलिटी गवर्नेंस हो इंटरनल सिक्योरिटी हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो जो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा से मेरी कोशिश यही होती है कि जितने मैक्सिमम डायमेंसन कवर हो सकते हो उस टॉपिक में वो करें क्योंकि नंबर तभी अच्छे मिल रहे हैं मेंस में तो ये सारे टॉपिक मैं चर्चा करूंगा आपसे और तब तो उसके बाद फिर आएंगे हम जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया क्यों दिया गया थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे हम बहुत संक्षेप में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे आर्टिकल 370 और 35 ए क्या थे थोड़ा सा उनकी बात होगी क्या विशेष अधिकार दिए गए थे क्यों विशेष राज्य था वहां का संविधान क्या था थोड़ा सा हम उसकी बात करेंगे पांच अगस्त 2019 को क्या हुआ अब क्या स्थिति हो गई है जम्मू कश्मीर की राष्ट्रपति का आदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम थोड़ा सा उसकी बात करेंगे 370 को हटाना क्यों जरूरी था जो सरकार का ये फैसला है इसके फायदे क्या हैं इसके पक्ष में क्या तर्क हैं कैसे फेवर इसका करें क्या आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा उसकी बात करेंगे विपक्ष क्या है 370 को हटाने का इसके विरोध में क्या तर्क है थोड़ा सा उसकी बात करेंगे और प्लस जो ये राष्ट्रपति का आदेश है तथा संसद का जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है संवैधानिकता क्या है इसकी क्या चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में मैटर है किन आधारों पे सरकार के इस फैसले की जांच होनी है तो वो क्या इशू है इसकी संवैधानिकता से जुड़े हुए थोड़ा सा उसकी बात करेंगे क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने ये सब करने के बाद कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की समस्या आप जानते हैं गंभीर समस्या वो भी यहां से जुड़ा हुआ मुद्दा है थोड़ा सा उसकी बात करेंगे तो अगेन हमेशा की तरह आप जानते हैं कि टॉपिक बहुत सारे हैं डायमेंशन बहुत सारे हैं समय सीमित है सो बहुत डिटेल कुछ भी नहीं करेंगे हाँ लेकिन एक आइडिया आपको सबका देंगे तो तरीका हमेशा की तरह यही होगा हमारा कि चर्चाएं थोड़ी थोड़ी बहुत सारी चीजों की करेंगे तो ये है पूरा आज का टॉपिक आज का मुद्दा जो सब टॉपिक हैं, जिन बातों पे हमें आपसे अगले एक घंटे में चर्चा करनी है सो फिर शुरू करें टॉपिक सारे लोग कंसंट्रेट होके बैठे रोज की तरह क्योंकि कम समय में बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं तो थोड़ा तेजी से चलते हैं तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 और 35 फाइव ए की समाप्ति अगेन रोज की तरह डेमोक्रेसी और उसमें फेडरल तथा यूनिटरी डेमोक्रेसी लोगों का शासन लोकतंत्र अलग अलग आधारों पर लोकतंत्र के कई प्रकार सेंटर और स्टेट केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के दो प्रकार एक संघात्मक शासन या फेडरल डेमोक्रेसी और दूसरा एकात्मक शासन या यूनिटरी डेमोक्रेसी संघात्मक शासन में हमने देखा कि दो सरकारें होती हैं उनके बीच में शक्तियों का विभाजन डिवीजन ऑफ पावर होता है हमारे देश में हमने ऐसा किया है संविधान की शेड्यूल सेवेंथ के तहत यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के माध्यम से हमने ये काम किया है दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में शक्तियों के प्रयोग के लिए स्वतंत्र होती हैं वो दोनों सरकारें कौन तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट था हाँ लेकिन वो एक स्पेशल स्टेट था विशेष राज्य का दर्जा था और इसलिए बाकी राज्यों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेशन थे जम्मू कश्मीर के साथ वैसे रिलेशन नहीं थे कुछ अंतर था जम्मू कश्मीर के साथ रिलेशंस में लेकिन आप देखेंगे हमारे संविधान की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ही ये रहा है कि हम सभी राज्यों के साथ एक जैसा बर्ताव तो कभी नहीं करते जम्मू कश्मीर के लिए कुछ स्पेशली हमने कर दिए थे प्रावधान थोड़ा जरूरत से ज्यादा विशेष व्यवस्थाएं अदरवाइज बाकी राज्यों में भी ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ इक्वल बिहेव करते हो सबके साथ समानता का व्यवहार करते हो इनफैक्ट जब हम अमेरिका के सिस्टम से कंपेयर करते हैं अपने सिस्टम को तो कई विद्वान तो इस आधार पर भी हमारे सिस्टम की आलोचना करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, फेडरल डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं कि अमेरिका में जितने स्टेट हैं, सबके साथ इक्वल बिहेव किया जाता है अगर अगर क्या फिफ्टी स्टेट से अमेरिका में सीनेट में हर स्टेट के दो दो मेंबर तो ये दिखाया जाता है कि वहां छोटा राज्य बड़ा राज्य ज्यादा पॉपुलेशन कम पॉपुलेशन किसी भी आधार पे पार्सियलिटी या भेदभाव नहीं होता है राज्यों के बीच में सबके साथ समानता इक्वल बिहेव और भारत में ऐसा नहीं है कश्मीर के लिए तो चलिए खैर नहीं ही था लेकिन बाकी राज्यों में भी सबके साथ समानता तो ये तो कभी हमारा नेचर नहीं रहा ऐसा एक तरफ जरूर हम कल भी बात कर रहे थे कि राइट टू इक्वेलिटी समानता का अधिकार है मूल अधिकार लेकिन वो चाहे लोगों की आधार पे बात करें और चाहे अब राज्यों की आधार पे वो समानता तो कहां रही हमारे यहां सकारात्मक भेदभाव के नाम पे हमने तो सबके साथ किया ही जैसा बर्ताव लेकिन फिर हमने जस्टिफाई भी किया उस चीज़ को कि विधि के समक्ष समता के साथ साथ विधियों का समान संरक्षण भी तो है इक्वल प्रोटेक्शन की भी बात हमने की है और उसका मतलब ही है कि परिस्थिति एक जैसी हो तो ठीक है एक जैसा व्यवहार अलग अलग परिस्थिति के लिए फिर अलग अलग व्यवहार ही ठीक होता है परिस्थिति अलग अलग हो व्यवहार एक जैसा करें तो ये भी फिर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता तो कई मामलों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में बड़ा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन रहा है या हमारा जो ये सिस्टम बड़ा यूनिक सिस्टम रहा है कई मामलों में तो संघात्मक शासन है हमारे देश में राज्यों केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है लेकिन राज्यों के साथ समानता का व्यवहार नहीं रहा है कश्मीर के साथ थोड़ा ज्यादा ही हम विशेष बर्ताव करते रहे और यूनिटरी सिस्टम की भी हम बात कर रहे थे कि एक ही सरकार होती है या सरकारें दो होती हैं लेकिन उनके बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है शक्तियां सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और उसकी मर्जी के ऊपर होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर देनी है नहीं देनी कब देनी कितनी देनी जो भी एक मुद्दा हमने डिस्कस किया था आपसे कि सामान परिस्थिति जनरल कंडीशंस में हम फेडरल होते हैं और स्पेशल सिचुएशंस हैं विशेष परिस्थितियां हम यूनिटरी हो जाते हैं सामान परिस्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया है हमने लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो बंटवारा रेस्टिगेट हो जाता है स्थगित हो जाता है शक्तियां सारी केंद्र के हाथ में आ जाती हैं देखा हमने कैसे एक और एस्पेक्ट देखिए आप यूनिटरी का उस दिन हमने उस एस्पेक्ट की बात की थी क्योंकि उसकी जरूरत थी हमें तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं चीजें कि कब हमें क्या आपसे क्या बात करनी है कहा जाता है कस्टमाइज करना तो जहां की जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को हम डिजाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं रोज आपको पढ़ाना होता है आपको पढ़ाने के पहले कम से कम आठ घंटे पढ़ता हूँ मैं तब आपको डेढ़ घंटा पौने दो घंटा पढ़ाता हूँ आर कुमार सर कहते हैं कि अरे ये तो आपने इतने बार टॉपिक पढ़ाए होंगे सब तैयार होगा हमने कहा बिल्कुल तैयार है लेकिन हमेशा हर क्लास के पहले उस क्लास की ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं तैयार करता हूँ चीज़ें और डिज़ाइन करता हूँ खुद सोच के देखिए आप पूरा पॉलिटी जब मैं पढ़ाता हूँ रेगुलर क्लास दो महीना तीन महीने का कोर्स हो पूरा कौ, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का तो मुझे पता है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है किस क्रम में क्या पढ़ाया है मुझे पता है कि मैं आपको फेडरल यूनिटरी सिस्टम पढ़ा चुका हूँ डिटेल या आर्टिकल वन टू फोर पढ़ा चुका हूँ तो जब तीन सौ सत्तर पढ़ाऊँगा तो उतनी चीज़ों की ज़रूरत मुझे नहीं होगी बताने की आपको तो रेगुलर क्लास में अलग सिस्टम हो जाएगा क्यों क्योंकि वो रेगुलर क्लास है कंटिन्यूटी में चीजें चल रही हैं, एक ही टीचर ने मैंने ही मान लीजिए अगर पूरा पढ़ा है तो मुझे पता है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है किस तरीके से पढ़ाया है कब क्या पढ़ाया है लेकिन यहां मैं आपको कुछ बीच बीच के सिलेबस के रैंडम टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये जरूर मुझे पता है कि भाई आप लोग पॉलिटी एक बार पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं पता कि किस डेप्थ के साथ पढ़ चुके हैं किस क्वालिटी के साथ पढ़ चुके हैं मैं मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं जिन भी टीचर ने आपको पढ़ाया मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं है आइडिया उस बात का और रैंडम टॉपिक है कभी सेंट्रल स्टेट रिलेशन कभी रिजर्वेशन कभी थ्री सेवेंटी कभी सिटीजनशिप तो रैंडम टॉपिक है बीच बीच के तो जब तक उन रैंडम टॉपिक अब मैं सीधा जम्मू कश्मीर की बात करने लगूँ वो कहाँ से किस रूप में लिंक है नहीं बताऊं तो हो सकता कि आप में कई लोग तो पकड़ ही नहीं पाए बात को तो मतलब कि अब ये रैंडम टॉपिक जो आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं तो उससे जुड़े जितने एस्पेक्ट हैं मुझे संक्षेप में उन सब की चर्चा करनी पड़ेगी आपसे कि अगर आप में से कोई ऐसा भी है कि जिसने इसके पहले नहीं भी पॉलिटी पढ़ा तो ऐसा नहीं कि आज के डेढ़ घंटे की क्लास उसके लिए बेकार हो जाए मेरी कोशिश है कि कुछ नहीं भी पढ़ा इसके पहले तो फिर भी इस डेढ़ घंटे में एक एक चीज समझ में आए उसको तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नए सिरे से पूरा फ्रेमिंग करनी होती है टॉपिक की उसे कस्टमाइज करना होता है और तब जाके प्रेजेंट कर पाते हैं हम आपके सामने। तो बहुत सारा समय तो टॉपिक की फ्रेमिंग में ही निकलता है कि कैसे कैसे किस किस टॉपिक से हम कहा से आपको लिंक करेंगे चूंकि रैंडम चीजें हैं ये हमने कहा आपके सामने जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो, तो खैर हम बात कर रहे यूनिटरी मॉडल तो एक एस्पेक्ट हमने पीछे डिस्कस की थी तब हमें उसकी जरूरत थी कि वो जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक हो जाते हैं उन्हीं राज्यों के साथ हमारे रिलेशन विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाते हैं एकात्मक का अब और एक एस्पेक्ट यहां जानना जरूरी है यूनिटरी मॉडल का कि हमने जो भारत राज्य है उसका बंटवारा या भारत देश का बंटवारा केवल राज्यों में ही नहीं किया है बल्कि राज्यों के अलावा हमने संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों की भी स्थापना की व्यवस्था की है यूनियन टेरिटरी नाम ही है यूनियन टेरिटरी संविधान का अनुच्छेद देख, एक देखें आर्टिकल वन आप देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र का बंटवारा तीन कैटेगरीज में एक राज्य क्षेत्र दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा अर्जित स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरी है और एक्वायर्ड एरिया या अर्जित क्षेत्र है कोई अर्जित क्षेत्र कैटेगरी में है नहीं फिलहाल तो लेकिन दो कैटेगरी तो हैं राज्य और संघ राज्य स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और फिर हमें जानना जरूरी है कि राज्यों के साथ हमारे रिलेशन फेडरल हैं लेकिन यूनियन टेरिटरीज के साथ हमारे रिलेशन फेडरल नहीं हैं बल्कि उनके साथ हमारे रिलेशन यूनिटरी है तो जब आप राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन की तुलना करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण पहला अंतर यही है कि केंद्र सरकार के संबंध राज्यों के साथ संघात्मक जबकि यूनियन टेरिटरीज के साथ यूनिटरी या एकात्मक है केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है बल्कि उनसे जुड़ी सारी शक्तियां केंद्र के पास ही है चाहे वो यूनियन लिस्ट हो चाहे वो स्टेट लिस्ट या संवर्ती सूची कुछ भी और क्यों मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं तो इसीलिए कि कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर स्टेट था और अब यूनियन टेरिटरी है तो उसने दोनों सुख भोगे हैं क्या भोग रहा है तो हमें इसलिए इन दोनों सिस्टम को जानना और समझना जरूरी है तभी हम जम्मू कश्मीर के सिस्टम को सही तरीके से समझ पाएंगे वो राज्य भी रहा है और स्पेशल राज्य रहा है वो तो विशेष राज्य तो वो सुख भी देखे हैं उसने और अब यूनियन टेरिटरी, तो ये सुख भी देख रहा है वो। तो हमें तो दोनों को जानना पड़ेगा अगर कश्मीर की स्थिति को वास्तव में जानना और समझना है तो हमें उसके लिए फेडरल डेमोक्रेसी को भी जानना पड़ेगा और उसके लिए यूनिटरी डेमोक्रेसी को भी जानना पड़ेगा तो यहां से आपको लिंक करना है ये पूरा टॉपिक जैसा मैंने बताया आप आर्टिकल एक से चार देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन का तो संघात्मक एकात्मक के बाद जो अगला टॉपिक यहां आपको ध्यान रखना है जहां से जोड़ना है संघ तथा उसका राज क्षेत्र यूनियन और इट्स टेरिटरी आर्टिकल वन टू फोर तो यहां से आपको ये टॉपिक जोड़ना है कुछ तो चर्चा मैंने करी ली आपसे कि आर्टिकल वन में हमने फेडरल डेमोक्रेसी के यूनियन मॉडल को अपनाया है लिखा है कि इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट होगा भारत राज्यों का संघ होगा यूनियन का मतलब भी हमने पीछे बताया था आपको थोड़ा सा कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती हैं बजाय स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल वन में हमने लिखा है कि हम यूनियन होंगे हम राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है अमेरिका राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है जो पीछे मैंने बताया आपको कि अमेरिका में सभी राज्यों के साथ समानता का वर्ताव किया जाता है उसके पीछे रीजन है क्यों होता है वैसा तो रीजन है उसके पीछे <clears throat> अमेरिका राज्यों के आपसी समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका बना था या संघ बना था और वो जो राज्यों ने समझौता किया था वो समानता के आधार पर किया था सुबह ही वो सिद्धांत चला आ रहा है भारत राज्यों के आपसी समझौते से संघ नहीं बना हमने तो एक विशाल देश को प्रशासन की सुविधा के लिए छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया तो चुकी हम राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है तो इसलिए समानता के व्यवहार जैसी कोई नैतिक बाध्यता नैतिक दबाव भी हमारे ऊपर नहीं है जिस राज्य की जैसी स्थिति है भूगोल जिसका जैसा है, पॉपुलेशन जिसकी जैसी है इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी जैसी हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं आर्टिकल वन में आप देखें तो तीन तरह के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है उसमें संघ तथा राज्य क्षेत्र में एक राज्य क्षेत्र होगा दूसरा संघ राज्य होगा और तीसरा आर्जित क्षेत्र होंगे जैसा हम जानते हैं कि अब तक अब तक मतलब 5 अगस्त 2019 के पहले तक उनतीस राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 29 स्टेट थे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति थी और सेवन यूनियन टेरिटरी थी और अब आप देख रहे हैं कि 28 स्टेट बचे जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा हमने वापस ले लिया तो 28 राज्य बचे यूनियन टेरिटरी 7 प्लस टू होके नाइन हो, हो गई थी बाद में लेकिन फिर हमने दादरा नगर हवेली दमनदीप को मिला के एक कर दिया तो इसलिए एट यूनियन टेरिटरी, आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर को हमने दो भागों में बांट दिया जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी हो गई और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गई तो दो बढ़ गई थी तो सेवन प्लस टू नाइन हो गई थी उसके बाद फिर दादर नगर हवेली दमनदीप का विलय करके एक ही बना दिया यूनियन टेरिटरी तो आठ हो गई तो फिलहाल अट्ठाईस राज्य और आठ यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में आर्टिकल वन जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त के पहले एक ही आर्टिकल लागू होता था जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था तो उसकी सीमाएं भारतीय सीमाओं का हिस्सा थी आर्टिकल दो आप पढ़ते हैं आर्टिकल टू जिसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है न्यूली स्टेट या उनको प्रवेश करे उनकी स्थापना करे तो वो हमें बहुत ज़रूरत यहां अभी उसकी नहीं है और आर्टिकल तीन आप देखते हैं जिसमें फिर संसद को ये पावर दी गई है कि वो राज्यों की सीमाएं बदल सकती है उनके नाम बदल सकती है उनके क्षेत्र बदल सकती है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है पुराने राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है तो आर्टिकल थ्री में पार्लियामेंट को ये पावर है राज्यों के निर्माण पुनर्गठन उनकी टेरिटरीज चेंज करना उनके नाम चेंज करना ये सारी पावर सर, में अंतर क्या है। बहुत अंतर है अब दो और तीन में अंतर अब यहां अगर हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो जम्मू कश्मीर रह जाएगा बहुत अंतर है दो और तीन है नए राज्यों की स्थापना पुरा या प्रवेश कोई ऐसा राज्य जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है संसद चाहे उसे भारत में प्रवेश करा सकती है पाकिस्तान के कई राज्य हैं लाहौर से लेके कराची से लेके सब उन्हें हम चाहें कि भारत में मिलाना है तो संसद को पावर है कि वो मिला सकती है ये आर्टिकल टू है या जो हमारे अपने ही क्षेत्र हैं उनमें नए राज्यों की स्थापना करना चाहे तो कर सकती है और आर्टिकल तीन में प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे होगा ये काम और उसमें भी स्पेशली जो देश के अंदर राज्य हैं उनके निर्माण पुनर्गठन का काम कैसे होगा तो वो बताया गया है प्रोसेस बताई गई है तो बड़ा अंतर है तो आर्टिकल तीन के तहत संसद को शक्ति दी गई थी राज्यों के निर्माण पुनर्गठन दी गई थी क्या दी गई है राज्यों के निर्माण पुनर्गठन से जुड़ी हुई लेकिन जम्मू कश्मीर अपवाद हुआ करता था जम्मू कश्मीर की सीमाओं में नामों में परिवर्तन क्षेत्र में परिवर्तन ये काम संसद नहीं कर सकती थी बिना राज्य सरकार की सहमति के तो वो तो अपवाद था ही विशेष दर्जा था उसे तो उसके लिए विशेष स्थितियां थी तो देखिए यहाँ जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र वाला टॉपिक है भाग एक आर्टिकल वन टू फोर वहां से जुड़ा हुआ मुद्दा है संविधान का आर्टिकल वन और आर्टिकल थ्री सेवेंटी ये दो आर्टिकल ही बेसिकली लागू होते थे जम्मू कश्मीर में संसद को निर्माण पुनर्गठन की शक्ति है लेकिन जम्मू कश्मीर में उस शक्ति का प्रयोग नहीं होता था तो यहां से हमें लिंक करना जरूरी है पूरे टॉपिक को जानना जरूरी है आगे देखें तो राज्य प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है जानते तो आप होंगे बस रिलेट कर रहा हूं मैं कि कहां, कहां से आपको इस टॉपिक को रिलेट करना है संविधान का भाग छह देखिए आप तो उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या राज्य प्रशासन से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं और भाग आठ देखें आप <coughs> तो उसमें यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं जैसा हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश है तो फिर अब ये राज्य प्रशासन की व्यवस्था क्या है संविधान के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था क्या है यहाँ से आपको रिलेट करना है हालांकि ये भी ध्यान रखना है कि कश्मीर चुकी विशेष राज्य था तो भाग छ के प्रावधान वहां लागू नहीं होते थे जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था आर्टिकल 370 के तहत जो व्यवस्थाएं थी वो चीजें वहां लागू थी भाग छः लागू नहीं होता था हाँ व्यवस्थाएं लगभग वैसी थी जैसी भाग छः में हमने बाकी राज्यों के लिए की हैं आप जानते हैं कि राज्यों में भी